प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में आयोजित ग्लोबल पोटेटो कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी रिमोट वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कॉन्क्लेव को संबोधित भी करेंगे। गंगा यात्रा का दूसरा दिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गढ़मुक्तेश्वर जाएंगे। यहां पूजा अर्चना करने के बाद गंगा यात्रा के अगले पड़ाव अमरोहा के लिए वो रवाना हो जाएंगे। यहां भी उनकी एक जनसभा होगी। उसके बाद बुलंदशहर में नरौरा के बशी घाट में वो रात्रि विश्राम करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जोनल काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने छत्तीसगढ़ भी जाएंगे। शिक्षकों की भर्ती को लेकर लखनऊ से बड़ी खबर, आज 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस मामले की आखिरी सुनवाई करेगी। बता दें कि शिक्षक भर्ती मामले में सभी याचिकाओं पर सुनवाई का आखिरी दिन है। कोरोना वायरस को लेकर यूपी सरकार कदम उठा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में 10 बेड के आइसोलेशन वार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने निर्देश दिया है कि एयरपोर्ट पर विशेष सतर्कता बरती जाए, खासकर जहां से विदेशी नागरिक आ रहे हैं। वहीं नेपाल बॉर्डर पर भी विशेष निगरानी के लिए कहा गया है। योगी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से लगातार संपर्क में रहें, उनसे कोऑर्डिनेशन बनाकर सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। कोरोना वायरस को लेकर यूपी सरकार गंभीर है। पीएफआई पर गृह मंत्रालय ने बड़ा खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सीए के विरोध के लिए फंडिंग हुई है। सीए के बाद पीएफआई के अकाउंट में 120 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। यूपी के हापुड़, शामली और बिजनौर समेत कई जगह अकाउंट में ये पैसे भेजे गए। पीएफआई का दफ्तर दिल्ली के शाहीन बाग में है। योगी सरकार पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। पूर्वोत्तर में एक अलग राज्य की लंबे समय से जारी मांग थमने के आसार है। असम में पिछले लंबे समय से अलग बोडोलैंड की मांग करने वाले चार गुटों ने हिंसा का रास्ता छोड़ने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम सरकार के साथ एनडीबीएफ ने समझौता किया, जिसके तहत अब बोडोलैंड की मांग नहीं की जाएगी। नागरिकता संशोधन एक्ट के मसले पर राजधानी दिल्ली के शाहीनबाग में जारी विरोध पर भारतीय जनता पार्टी मोर्चा खोले हुए है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि शाहीनबाग में भारत को तोड़ने वाले लोग बैठे हैं। उन्होंने प्रदर्शन करने वालों की तुलना टुकड़े टुकड़े गैंग से की है। केंद्रीय मंत्री बोले हैं कि हमने बार बार बताया कि नागरिकता संशोधन एक्ट से किसी की नागरिकता नहीं छिनेगी। इस देश का हर मुस्लिम नागरिक इज्जत से जीना चाहता है। नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में जारी प्रदर्शन पर अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी तोड़ दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सोमवार को ट्वीट किया है और लिखा है कि शाहीन बाग में बंद रास्ते की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। बीजेपी नहीं चाहती कि ये रास्ता खुले। दिल्ली के सीएम ने कहा है कि बीजेपी वाले एक घंटे में शाहीन बाग को रास्ता खुलवाए, इसमें मेरी तरफ से हरी झंडी है। निर्भया केस के दोषी मुकेश कुमार की याचिका पर सुनवाई होगी। मुकेश कुमार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की पीठ कल सुनवाई करेगी। मुकेश कुमार ने याचिका दाखिल कर राष्ट्रपति की दया याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है। साथ ही 1 फरवरी की डेथ वारंट पर भी रोक लगाने की मांग की। सीए पर राजनीतिक घमासान जारी है। इस बीच आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की कथित बदसलूकी से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने सीए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों पर जुल्म ढाए हैं। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हुई हिंसा को लेकर दायर याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में राज्य की योगी सरकार ने हलफनामे के साथ जवाब दाखिल किया था, जिसे कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और बिंदुओं पर रिपोर्ट की मांग की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा है कि पुलिस ने कितनी शिकायतों पर केस दर्ज किया। हिंसा में मारे गए 23 प्रदर्शनकारियों की मौत के मामले में दर्ज एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कोर्ट ने तलब किया है। अदालत ने हिंसा में घायल पुलिस वालों का भी ब्यौरा मांगा। अब मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर प्रक्रिया पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। एनपीआर पर रोक लगाने के लिए सोमवार को जनहित दायर की गई थी। इस जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि आधार में डेटा की सिक्योरिटी की गारंटी है।
ग्रेटर नोएडा के रोही गांव में जेवर एयरपोर्ट की जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों और जिला प्रशासन में टकराव के हालात बन गए हैं। जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे प्रशासन और पुलिस टीम पर किसानों ने पथराव किया। किसानों ने जमीन पर कब्जा लेने से इनकार करते हुए प्रशासन की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पथराव में कई लोगों के घायल होने की खबर है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। साक्षी महाराज ने कहा है कि जब कश्मीर के हिंदुओं को भगाया जा रहा था तब कांग्रेस कहां थे। उन्होंने कहा कि आज हर राजनीतिक दल अपने बारे में सोच रहा है जबकि बीजेपी ही सिर्फ देश के बारे में सोचती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले डेढ़ महीने से ज्यादा समय से नागरिकता संशोधन कानून सहित एनआरसी और एनपीआर को लेकर लगातार विरोध चल रहा है। स्टूडेंट से लेकर टीचर और नॉन टीचिंग से लेकर टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन के लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं। लगातार हो रहे इस विरोध प्रदर्शन के बीच सोमवार को टीचर्स द्वारा हाथ में कैंडल और मशाल लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में सर्वधर्म का समर्थन देखने को मिला, जहां सिख समुदाय के लोग हाथों में मशाल लेकर नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करते हुए नजर आए। बसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने सीए को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर कहा है कि ये जो कानून पास हुआ है वो देश हित में नहीं है, देश की एकता अखंडता के लिए ठीक नहीं। जो देश भर में ये आग लगी है, धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिए जा रहे हैं। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन ज्ञापन देना अधिकार भी है। इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं, ना बेटियां सुरक्षित है, ना ही चोरी डकैती हत्या कम हो रही है। फरुखाबाद में बीजेपी ने सीएए के समर्थन में जन जागरण अभियान 2 की शुरुआत का ऐलान किया है और इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से सीएए के समर्थन में मिस्ड कॉल कराएंगे। हर एक कार्यकर्ता को 100 घरों तक जाने का लक्ष्य दिया गया है। यूपी के ललितपुर में फर्जी कृषि अधिकारी समेत 5 ठग गिरफ्तार हुए हैं। खाद दुकानों पर कागजात जांच के नाम पर कर रहे थे पैसों की उगाही। स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस से की है लिखित शिकायत। बलिया से होकर कानपुर पहुंचने वाली गंगा यात्रा 30 जनवरी को रायबरेली पहुंचेगी। गंगा यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। जिलाधिकारी ने गंगा यात्रा से संबंधित ग्राम पंचायतों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। अमरोहा के तिगरी गांव में मंगलवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा गंगा आरती के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। उन्नाव में गंगा यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम के बारे में जिला प्रशासन ने बताया है कि यात्रा से संबंधित सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। गंगा यात्रा को लेकर शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। शार्जिल इमाम के बाद जेएनयू के एक और छात्रा ने दिया विवादित बयान। सीए के विरोध में प्रयागराज में चल रहे प्रदर्शन में आफरीन फातिमा नाम की छात्रा ने दिया है विवादित बयान, जो अब वायरल हो रहा है। पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। बागपत में पशुओं की नस्ल सुधार का काम अब मुफ्त में किया जाएगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 288 गांव में यह अभियान चलाया जाएगा। इस सरकारी योजना से पशुपालकों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी आय भी बढ़ेगी। ग्रेटर नोएडा में शादी से इनकार करने पर परिजनों ने युवती को बेरहमी से पीटा। लड़की के हाथ पैर बांधकर उसे बेरहमी से पीटा गया है। युवती की शादी 40 साल के व्यक्ति से कराना चाह रहे थे परिजन, इस बात से नाराज थी युवती। गाजीपुर के भुड़पुड़ा में 35 साल व्यक्ति की मिली लाश की पहचान हो गई है। मृतक सैदपुर से सपा विधायक सुभाष पासी का चचेरा भाई है। विधायक सुभाष पासी का आरोप है कि शैलेंद्र यादव ने उन्हें लगातार कई बार फोन कर देख लेने की धमकी दी थी। यूपी के बुलंदशहर की सिकंदराबाद पुलिस ने पूनम हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी दोस्त पूनम को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के अनुसार क्राइम पेट्रोल को देखकर आरोपी ने हत्या की साजिश रची थी। मेरठ के बेगमपुर में एनआरसी और सीए के विरोध में भारत बंद का पोस्टर चिपकाने वाले 4 लोगों को स्थानीय जनता ने पकड़कर पीट डाला। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। देवरिया के फतेहपुर में पुरानी रंजिश को लेकर हुई फायरिंग में कैलाशी देवी की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पूरे मामले से पर्दा उठा दिया है।
रुड़की में पुलिस प्रशासन की लापरवाही से निराश एक गायब महिला की खोज के लिए परिजनों ने मीडिया से गुहार लगाई है। परिजनों का आरोप है कि 5 से 6 महीने पहले महिला को उसके पति ने मिलने के लिए बुलाया था, उसके बाद से ही महिला गायब है। इस मामले में पुलिस कोई मदद नहीं कर रही। संभल के रामपुर खादर में भेड़िए की दहशत को दूर करने के लिए गांव वालों ने नई तरकीब खोज डाली है। भेड़िए को पकड़कर गांव वालों ने उसके गले में घंटी बांधी। घंटी के बाद सभी गांव वालों से पहचान करा लेने के बाद भेड़िए को जंगल में छोड़ दिया गया। लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम और राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा कांग्रेस और आपको सीए के विरोध प्रदर्शन के लिए कराई जा रही विदेशी फंडिंग की जांच के लिए अमित शाह को पत्र लिखा गया है। दिल्ली के शाहीन बाग के बाद मुरादाबाद में भी सीए और एनआरसी के विरोध में महिलाओं ने पोस्टर बैनर लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरने की खबर पाकर फौरन पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। प्रशासन के बहुत समझाने के बाद महिलाओं ने अपना धरना खत्म किया। मिर्जापुर में पिकनिक मनाते समय हादसा हो गया। सेल्फी के लेने के दौरान एक युवक का पैर फिसला और रिवर फॉल में वो गिर गया। युवक की तलाश जारी है। युवक अपने परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आया था। एटा जिले के दयारामपुर में एक 16 साल के युवक की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई है। रखे शव के पास दो जेबकतरों ने शव से पॉकेट मारी करने की कोशिश की। पकड़े जाने पर लोगों ने जेबकतरों को जमकर पीटा। मेरठ में पतंग उड़ाने को लेकर हुए मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के बाद दोनों पक्षों के बीच फायरिंग भी हुई। इस फायरिंग में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सोनभद्र में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 लोगों पर कुल्हाड़ी से वार किया गया। घायलों को इलाज के लिए अपर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संभल में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने गैंगरेप की घटना को छेड़छाड़ का घटना बताकर केस दर्ज किया है। मीडिया में इस मामला सामने आने के बाद पुलिस अपनी नाकामी छुपाने में जुटी हुई है। सहारनपुर में एक युवक ने अपने सरकारी आवास में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि युवक अपने परिवार वालों से नाराज था। परिजनों के अनुसार बीती रात परिवार वालों के साथ आपस में कोई कहासुनी हुई, जिसके बाद युवक ने एक कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चित्रकूट के मोरंग खादान में फायरिंग का वीडियो इस समय वायरल हो रहा है। ये फायरिंग चित्रकूट के लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। खदान में कई लोग खुलेआम गोली चला रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि मोरंग खदान में काम करने वाले हैं, जो फायरिंग करने में मस्त हैं। इस तरह से फायरिंग करके इलाके में दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है। लखीमपुर के मोहल्ला नौरंगाबाद में दिमागी रूप से परेशान एक युवक ने अपने भाई भाभी और उनके बच्चे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। युवक ने अपने मां और पिता पर भी जानलेवा हमला किया, लेकिन वो किसी तरह जान बचाने में कामयाब रहे। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर घायल मां बाप को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पीलीभीत में दबंग बाइक सवार दो युवकों ने सराफा व्यापारी की कार पर फायरिंग कर दी। मामला थाना अमरिया इलाके के धुधरी भट्टे के पास का है, जहां सराफा व्यापारी धुधरी मकसूदी ब्रिज के पास से जा रहा था। रास्ते में जाम लगने के कारण बाइक पर सवार दो लोगों से उसकी कहासुनी हो गई। बाद में बाइक सवार आए और जान से मारने की नीयत से उन पर फायरिंग कर दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। गाजियाबाद में कुछ लोगों ने एक दंपति को पाकिस्तानी बोलकर उसकी पिटाई कर दी। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी शख्स ने बेवजह पहले ही गाली गलौज की और फिर उसे पाकिस्तानी बताकर पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला शुरू कर दिया है। गौरव चंदेल की पत्नी को निजी स्कूल में नौकरी मिल गई है। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने गौरव चंदेल की पत्नी को नौकरी दिलाई। गौरव चंदेल की हत्या के बाद उनके परिजन लगातार सरकारी नौकरी की मांग कर रहे थे। योगी सरकार ने भी चंदेल के परिजनों को नौकरी का आश्वासन दिया है। यूपी में बार खुलने
रहने के समय में बदलाव हो गया है। बार खुलने का समय अब एक घंटे और आगे बढ़ा दिया गया है। अब रात 2 बजे तक बार खुले रहेंगे। बार की नई समय सीमा 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। नगर निगम के दायरे में आने वाले बियर लिकर बार पर ये समय सीमा प्रभावी होगी। बड़े समय के लिए अतिरिक्त फीस देकर आबकारी विभाग से परमिशन भी लेनी पड़ेगी। हरीश धामी ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के खिलाफ जमकर जहर उगला है। धामी का कहना है कि इंदिरा हृदयेश को नेता प्रतिपक्ष से हटाया जाना चाहिए। इंदिरा घोटालेबाज है, सिडकुल घोटाले की जांच होनी चाहिए। कैसे मंत्री रहते हुए इंदिरा हृदयेश का पीआरओ सिडकुल में नौकरी पर लग गया, क्या और कोई काबिल नहीं था? धामी ने साफ कहा है कि 2 फरवरी को तमाम आठ विधायक जो मेरे साथ हैं उनके साथ बैठूंगा। इसके बाद हम आलाकमान से नेता प्रतिपक्ष को हटाने की मांग करेंगे। वहीं प्रीतम सिंह को लेकर धामी के तेवर नरम दिखाई पड़े। उनके अनुसार उनके खिलाफ साजिश इंदिरा हृदयेश ने की है। चाइना में कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में वायरस से प्रभावित 2 संदिग्धों के मिलने की खबर है। ऐसे में उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने वायरस को लेकर एहतियात बरतते हुए स्वास्थ्य विभाग को इससे जुड़ी तैयारियों को करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि ऋषिकेश और प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में विदेशी पर्यटकों की भारी आमद है और इसी को लेकर पर्यटन विभाग वायरस प्रभावित संदिग्धों के उत्तराखंड में प्रवेश को लेकर काफी चिंतित। शायद यही कारण है कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य सचिव नितेश झा को पत्र लिखकर वायरस को लेकर सचेत रहने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ में पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठी आंगनबाड़ी वर्कर्स ने आज आंदोलन खत्म कर दिया है। बीजेपी विधायक चंद्रा पंत के आश्वासन पर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपना आंदोलन फिलहाल समाप्त कर दिया। इस मौके पर विधायक पंत ने आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांगों को जायज बताते हुए उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का भरोसा दिया है। आमिर खान स्टारर लाल सिंह चड्ढा इस क्रिसमस सोलो रिलीज के लिए तैयार है। आमिर ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट के जरिए इस बात की पुष्टि की है। इस ट्वीट में उन्होंने एक्टर अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाल को उनकी अपील पर अपनी फिल्म की डेट आगे बढ़ाने का धन्यवाद दिया। रात 10 बजे बाद ध्वनि प्रदूषण में रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी जहां शादी बरातों और पार्टियों में ध्वनि प्रदूषण होता रहता है, वहीं अब इस पर खटीमा की पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। रविवार रात खटीमा कोतवाली क्षेत्र में विवाह समारोह में देर रात तक बज रहे डीजे की शिकायत पर खटीमा कोतवाली पुलिस द्वारा विवाह समारोह में पहुंचे डीजे के सामान को सीज कर दिया गया। वहीं भारी जुर्माना लगाकर चेतावनी जारी कर डीजे को छोड़ दिया गया।